Hey beauties, what's up? I am Arzu and welcome back to my channel guys. सो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ NYB फाउंडेशन का रिव्यू। एंड जो ये मेकअप लुक है ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये मैंने क्रिएट किया था कि नई दुल्हन शादी के बाद मेकअप कैसे करे। इस फुल मेकअप लुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऊपर आई बटन में मिल जाएगा गाइज। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, ये है NYB का ड्यू ड्रॉप्स लिक्विड फाउंडेशन। कुछ इस टाइप से हमें रिसीव होगा। ब्रांड यहाँ पे क्लेम करते हैं ये लाइट वेट है, कंफर्टेबल हमारी स्किन पे, प्रोवाइड्स फुल कवरेज एंड गिव्स नेचुरल ड्यूई फिनिश। एंड इसमें मेरा शेड है 3 Macchiato, जो एकदम मेरे स्किन टोन के साथ मैच होता है। राइट नाउ ये हमें 172 रुपीज़ का मिलेगा। एंड पर्पल पे सेल चल रही है, पर्पल होली सेल, सो इसमें आपको ये 172 रुपीज़ का मिलेगा। एंड NYB के प्रोडक्ट्स पे आपको बाय टू एंड गेट टू फ्री का ऑफर भी मिलेगा। एंड ब्रांड ने टोटल इसमें 9 शेड्स लॉन्च किए हैं एंड आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग अपना शेड ईजिली चूज़ कर सकते हैं इसमें से। सो गाइज, आप इस सेल का फ़ायदा ज़रूर उठाएगा पर्पल होली सेल। इसमें आपको NYB के प्रोडक्ट्स पे 50% का ऑफ एंड बाय टू गेट टू फ्री इस टाइप के ऑफर्स देखने को मिलेंगे। सो गाइज, अब आता है डेमो पार्ट। तो सबसे पहले हम अपनी प्रॉपर स्किन केयर कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्किन केयर कर ली है अच्छे से। देन उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइमर अप्लाई करूँगी। तो मैं यहाँ पे NYB का प्राइमर ही यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छे वाला प्राइमर है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था। तो हम डॉट डॉट करके पूरे फेस पे से अप्लाई कर लेंगे अच्छे से, ताकि हमारे जितने भी पोर्स हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएँ एंड एकदम से फिल आउट हो जाएँ। उसके बाद गाइज, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी फाउंडेशन। सो गाइज, ये कुछ हमें इस टाइप की पैकिंग में रिसीव होगा। एंड इसमें मेरा शेड है 3 Macchiato। एंड ये कुछ इस टाइप की बोतल में आपको रिसीव होगा गाइज। एंड इसमें कोई भी पंप वगैरह नहीं है या फिर कोई ट्यूब वगैरह में नहीं है, ये हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा, जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट इट्स ओके। इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड इसे कोई भी अफोर्ड कर सकते हैं ईजिली। सो ये कुछ इस टाइप से है, ऐसे मैं इसे ओपन कर लूँगी। सो गाइज, यहाँ पे मैंने अपना फाउंडेशन निकाल रही है, काफ़ी देर में निकला ये। सो इस टाइप से मैं इसे थोड़ा वार्म अप कर लूँगी ताकि ईजिली ब्लेंड हो जाए। देन मैं डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे से अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। एकदम से मेरा स्किन टोन से मैच हो रहा था ये, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मीन्स मुझे शेड में ही थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने सोचा पता नहीं सही शेड आएगा या नहीं, बट एकदम एग्जैक्ट शेड आया था। एंड मैंने यहाँ पे स्पीड बिल्कुल भी हाई नहीं किया है, एकदम से स्लो करके ही रखा है। आप आराम से देखिएगा इस फाउंडेशन की कवरेज कैसी है। सो मैं यहाँ पे एक ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ, ये भी NYB का ही ब्यूटी ब्लेंडर है, और हमने इसे वेट कर लिया था, वेट करके स्क्वीज आउट कर दिया था, और अब हम अच्छे से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लेंगे। एंड आप देख सकते हो कितनी अच्छी कवरेज है इसकी, मीडियम सी कवरेज है। मीन्स मुझे थोड़ी और कवरेज चाहिए थी, तो मैंने इसकी एक लेयर और अप्लाई कर ली थी। आप भी कर सकते हो इसी टाइप से कि आप दो लेयर अप्लाई कर लें अगर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा कवरेज चाहिए। सो मीन्स इसकी कवरेज ज़्यादा तो नहीं है, बट मीडियम टाइप की है। हाँ, बट ये एकदम से नेचुरल एंड लाइट वेट है, एकदम से नेचुरल लगता है अप्लाई करने के बाद, हमारी स्किन में एकदम से ब्लेंड हो जाता है बहुत अच्छे से, एक नेचुरल ग्लोई फिनिश भी देते हैं, लाइट वेट भी है जैसा कि ब्रांड ने क्लेम किया था। एंड अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे अपने ब्यूटी ब्लेंडर से। सो गाइज, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी है एंड इजी भी है ब्लेंड करने में। सो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं इनका ये फाउंडेशन, एंड अफोर्डेबल भी है। तो मैं यहाँ पे एक लेयर और अप्लाई कर लूँगी फाउंडेशन की, बिकॉज मुझे थोड़ी सी ज़्यादा कवरेज चाहिए थी, क्योंकि मुझे मेकअप लुक करना था थोड़ा हैवी सा, तो इसीलिए मैंने इसकी एक लेयर और अप्लाई किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लेयर अप्लाई करने के बाद सच में मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था। एंड आप ये मेकअप लुक जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। मैं सुबह मेकअप लुक करने लगी थी एंड मुझे शाम हो गई थी, बीच में मैंने खाना वगैरह बनाया, रील्स भी बनाई थी मैंने काफ़ी सारी। एंड आप मेरी अनरेडी वाली वीडियो देखना, उसमें भी एंड तक मेरा मेकअप ऐसे का ऐसे था, टस से मस नहीं हुआ, मीन्स बिल्कुल भी नहीं हिला, ऐसे ही रहा। तो मीन्स काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, स्टे काफ़ी अच्छा करता है ये, सो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। एंड आप देख सकते हो दो लेयर अप्लाई करने के बाद कितनी अच्छी कवरेज दी इसने मेरे को। आई लव दिस फाउंडेशन। एंड अब आप मेरी मोस्टली वीडियोज़ में इसे यूज़ करते हुए देखोगे, बिकॉज मैं इसे अभी यूज़ करने वाली हूँ काफ़ी टाइम तक।
सो दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइज, आप देख सकते हो। एंड में भी मेरा मेकअप बिल्कुल वैसे का वैसा था, फाउंडेशन अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं निकला। एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इस फाउंडेशन का स्टे। आई होप गाइज आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी एंड आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रही होगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड अगर आपने लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइज। सो जल्दी से जाके मुझे फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टिल देन बाय बाय।